और ये हमारे लिए पेट पूजा के लिए क्या बना रहे हैं, इजी सा खाना। क्या बना रहे हो आप? पुलाव। देखा, सबसे इजी। और कोई भी चीज वहाँ पे ऐसी ना रखें जिनमें आपके गत्ते यूज हो रखे हैं या गत्तों की पैकिंग है। अब हमारे पास क्या थी, अनयूज बहुत सारी चीजें थी। इसके बीच में ना सफेद सफेद से कीड़े लगे हैं। तो जो कीड़ा है ना वो देखो कुछ कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये वाले कीड़े लगे हुए हैं सारे में। और इसको देख के ना बड़ी फ्रस्ट्रेशन सी हो रही है। क्यों जी? आज के मैच में मुझे मिला है ये ट्रॉफी जिसमें है बेस्ट बॉलर। हेलो दोस्तों, गुड वाला मॉर्निंग। और आज हमारी मॉर्निंग थोड़ी सी खराब शुरुआत हो रही है। देखो यहाँ पे आपको पूरा बाजार दिखेगा, सब्जी मंडी दिखेगी। ये सारे बर्तन किचन के, वो किचन के बर्तन, इधर भी किचन के बर्तन, इधर भी। और मैडम जी देखो हालत, देखो मैडम की आप, मुझे गुस्सा आ रहा है। और गुस्सा क्यों आ रहा है ना, बहुत बड़ा एक नुकसान हो गया हमारा लाखों रुपए का। अब वो नुकसान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पे देखो ये सारी छंटाई हो रही है बर्तनों की, जो काम के हैं वो एक साइड, जो काम के नहीं है वो एक साइड, जो फालतू के गत्ते हैं वो एक साइड, और उधर किचन ऑलमोस्ट हमने खाली कर दिया सारे के सारे सेल्फ और ऊपर से लेके। अब दिक्कत क्या है वो मैं आपको अपडेट करता हूँ। पहले मैडम की थोड़ी हेल्प करता हूँ क्योंकि ये तो फ्रस्ट्रेट हुए पड़े हैं और गुस्सा नहीं तो मेरे पे ही निकलने वाला है, पर नुकसान बहुत बड़ा हो गया तो मुझे भी बुरा लग रहा है। तो ये मैंने कर दिए हैं, जो खराब जैसे गत्ते थे वो मैंने एक साइड कर दिए, और ये जो साफ वाला सामान है वो एक साइड कर दिया है। सुबह सुबह ही क्या ही मुझे ये स्यापा पड़ गया है। और ये जो हमारी हेल्प थोड़ी बहुत कर रहे थे उनको हमने बोला आप हमारी इतनी भी हेल्प मत कर लो, खाना बना दो बस, पेट पूजा करवा दो हमारी, है ना। और ये हमारे लिए पेट पूजा के लिए क्या बना रहे हैं, इजी सा खाना। क्या बना रहे हो आप? हेलो, पुलाव। देखा, सबसे इजी। यहाँ पे देखो आप चेक की उंगलियां रेस्ट करते हैं, यूं करके खत्म। और ऊपर से ना इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी, और गर्मी में क्या ही काम निकाल दिया है। पड़ेगी ना ताकि अगले बंदे इस चीज से बचे रहे और ऐसा नुकसान उनके घरों में ना हो। सही बात है, वजह क्या हो सकती है? आप बताओ। खाते हैं अभी, जब किचन का हाल मेरा ट्रीटमेंट करेंगे तब दिखाएंगे। कैसा हाल हो गया यार। चलो कोई ना, करते हैं हम इसको फटाफट ठीक। अभी तो मैं करती हूँ, अभी रखती हूँ उनको, सामान को सारी जगह। तो जी लंच तो रखवा दिया मैंने बनने के लिए गैस पे, और इसको देख के ना बड़ी फ्रस्ट्रेशन सी हो रही है। क्यों जी? आपको इरिटेशन हो रही है? गर्मी नहीं होती ना तो मैं खुशी खुशी कर लेती, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, और ऊपर से ना दिमाग खराब हो गया। तो यहाँ पे देखो जब से घर बना ना बहुत सारा सामान इसमें भी पड़ा है। इधर बाथरूम का सामान है, इधर क्रॉकरी का सामान है, इधर राशन पानी है, और इधर बर्तन है। अब क्या करें, डाइनिंग टेबल को देखो क्या बना दिया, अच्छा नहीं हुआ कुछ ना। सो जी जो एक्चुअल में समस्या है ना वो क्या है, देखो यहाँ पे ये जो कीड़ों ने ना मिट्टी मिट्टी सी निकाल दी है, और यहाँ पे देखो आप कॉर्नर में ये, इसके बीच में ना सफेद सफेद से कीड़े लगे हैं, और वो ना मुझे लग रहा है लगे तो वो गत्ते की वजह से हैं, और उसकी वजह से ना मॉइस्चर पड़ गया। मॉइस्चर की वजह से क्या हो गया कि हम लोग घर में थे, दो तीन हफ्ते से थे नहीं, तो ये सारी अलमीरा बंद रही, और एक तो वो रीज़न लग रहा है, और दूसरा हो सकता है मॉइस्चर जो दीवारों में है ना, तो वो प्लाई जो इसमें प्लाई बोर्ड है इसकी वजह से शायद उसमें लगे हों। तो मैं तो यही बोलूँगा जिसके भी मॉडुलर किचन है और जिन्होंने प्लाई यूज़ कर रखी है ना, तो ध्यान रखें, चेक कर लें, और कोई भी चीज़ वहाँ पे ऐसी ना रखें जिनमें आपके गत्ते यूज़ हो रखे हैं या गत्तों की पैकिंग है। अब हमारे पास क्या थी, अनयूज बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो हमने सारी एज इट इज़ ही रख दी थी गत्तों के साथ ही, तो इस वजह से ना वो कीड़े लगे हैं सफ़ेद सफ़ेद से, और हमने उसके लिए टर्माइट स्प्रे ले आया हूँ मैं, और उसको मैं करने वाला हूँ सारे में, मतलब ये जो सारे ना हमने खाली कर दिए देखो, जबकि इनमें सारों में सामान भरा हुआ था, और ये भी खाली कर दिए, ऊपर वाले भी खाली कर दिए, तो इसलिए वहाँ पे देखो सारा बाजार लग गया है। तो अब बस ये माइक्रोवेव वाला खाली करने को रह गया, तो इसको भी साफ करके खाली करके फिर इसमें स्प्रे करूँगा, और लगातार 4-5 दिन तक करता रहूँगा। लेट्स सी कि अगर कोई फ़र्क पड़ता है उससे, अदरवाइज़ तो ये ना बहुत बड़ा नुकसान कर गया अपना। तो जो कीड़ा है ना वो देखो कुछ कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो
ये वाले कीड़े लगे हुए हैं सारे में। तो यहाँ देखो गत्ते की ढेर, ये सारे गत्ते हैं जिनमें सब में तो नहीं है पर हमने सारे ही खाली कर दिए, और कुछ गत्ते थे जिनमें ना ये देखो नीचे से इन्होंने पूरा खाली कर दिया इसको खा के। अब ये खाली किचन को बने ना अभी 2-2.5 साल हुए हैं, और 2-2.5 साल में इतना ख़राब हालत तो नहीं होता है यूजुअली। मैंने देखा है पहले जहाँ मैं रेंट में रहता था वहाँ पे भी ऐसी दिक्कत थी, बट उस मकान को तो बने हुए भी 15 साल हो गए थे ना। बट यहाँ पे देखो ये जो चीज़ है ना, ये देखो इसमें पूरा मतलब हालत ख़राब करके रख दी है। और मैं आप सबको यही बोलूँगा कि ध्यान रखें आप, ये देखो तोड़ मत देना माइक्रोवेव। चलो 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 चेक करें अच्छे से, साफ सूफ कर ले। कितना अच्छा लग रहा है खाली खाली किचन यार। दिखाना अपना ग्लव्स, दिखाना ग्लव्स भी हो गई। ये तो है अच्छा, पहले जब जरूरत थी यही होती है जिंदगी में, लगाने भी नहीं आते हुए। ये ना मैंने लाए हैं हॉस्पिटल से ना, तो ये अच्छा क्योंकि मैं पहले कुछ और थी अब कुछ और हूँ। लो सर दोनों में लगा लो ना, दोनों में नहीं ऐसे नहीं लगाते सीधा डालो, कोई बात नहीं आपको आता नहीं है, आपको पता नहीं लग रहा अंगूठा कहाँ से होगा। ओहो ऐसे नहीं करते यार, तो फटे गए तो ऐसे नहीं करते ना, आपको फोल्ड उतारना नहीं था। ये सही वाले नहीं लगाने पड़ते ढंग से, फट गए। फोल्ड मत खोला, ऐसे लगा ऐसे दे रहा मेरे, ऐसे डालवा ऐसे। हां अंगूठा देखो यहां है, हां ये डाल दिया डॉक्टर साहब। उंगलियां गलत कर गई भाई, चल दोनों को नहीं आता है कुछ, देखो कैसे कर रहे। हो गया छोड़ो, ऐसे लगाना था पहले वाला भी। चलो सर्जरी के लिए तैयार, उन कीड़ों को मारने के लिए आप तैयार हो? छुरी दो, छुरी मेरी। एक मास्क आ गया, मास्क। हेलो सच में लगाना पड़ता है, हम क्या करें हम दोनों? नहीं मैंने इसको देखा है, ये इतनी गंदी स्मेल होती है ना इसकी। ये लो, ओ यार इसकी पाइप का है ये भगवान। टन 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 कैसे छिड़कोगे? ओ ये पाइप है ना, टन 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 कितनी गंदी स्मेल आई, ढक्कन खोल गई। बर्तन तो कर दिए हमने खाली ना, बट ये जैसे रह गए कोई बात नहीं, ये जब ये छिड़क जाएंगे सारी दवाई उसके बाद करेंगे, बट मेरे ना ये दवाई बहुत गले में लग रही है। इनको तो कर दिया हमने अच्छे से पैक, आपके तो नहीं लग रही है ना गले में? क्यों मैं आदमी नहीं हूं मतलब? आपको मैं मास्क पहनाया है, मास्क के अंदर भी तो जा ही रही है ना। चलो 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 चलो, चलो। मैं भी मास्क लगा के आ गई क्योंकि मेरे बहुत गले में लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई है यार, और हमारे को ना इस दवाई की वो स्ट्रॉ नहीं मिल रही थी, इन्होंने पता नहीं एक कहाँ रख दी थी, एक आधा कहाँ रख दिया होता है सामान, आधा कहाँ रख दिया होता है। फिर हमने जुगाड़ू बंदे, हमने कुछ जुगाड़ कर ही लिया। सर पंखा तो नहीं लगाए हम? पंखा तो नहीं लगाए?
नया खुद की दिल लग गई हमारी, हम बोलते रहते हैं। सबसे पहले जो मैंने ये ऐसे लाइन लाइन देखी थी ना, वो मैंने यहीं देखी थी, सबसे ऊपर यहाँ पे इधर लगी हुई थी। फिर मैंने वो साफ कर दिया, मुझे लगा चलो ऐसे ही होगी। फिर साफ करके बाद में मैंने ध्यान नहीं दिया, अब फिर से वो पीछे पीछे लगी हुई थी। मतलब स्टार्टिंग यहीं से हुई है सर। ऊपर वाला भी हो गया सारा, यहाँ से ये वाला भी हो गया, नीचे भी हो गया। यहाँ तो लगी नहीं है बट ठीक है, हो गया। चलो आ जाओ फिर नीचे। ना मैं तो आऊंगी नहीं, इधर बर्तन धोएंगे और चुपचाप भाग जाएंगे। प्लास्टिक लिफाफा देना, लिफाफे ही लिफाफे। यहाँ देखो कितने बड़ा चाहिए आपको। सो जी हाफ डे तो निकल गया वो साफ सफाई में, और स्प्रे वगैरह कर दिया। अब देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। और अब ना थोड़ा सा अंदर बैठना मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसकी स्मेल ना बहुत ज़्यादा तीखी है। सो अभी मेरा मैच है 2 बजे और 2:10 ऑलरेडी हो गए हैं। और जो टेम्परेचर इस टाइम यहाँ पे देखो आप 43 तो इसमें दिखा रहा है, बट मुझे जो लग रहा है एक्चुअल में टेम्परेचर बाहर होगा 45-46। तो अब इतने टेम्परेचर में भी क्रिकेट खेलना, लेट्स सी कितना चैलेंजिंग होता है। और कभी कभी ना अपने लिए टेस्टिंग हो जाती है कि अपनी बॉडी कितना रिस्पॉन्सिव अभी भी है और अपनी स्टेमिना। तो लेट्स सी, और इस समर का सबसे हॉट डे में से एक डे आज है और उसके अंदर हमारा मैच है 2 बजे। तो आई होप कि ज़्यादा दिक्कत ना हो डिहाइड्रेशन वगैरह का। पानी वानी का इंतज़ाम बढ़िया रखा है एंड कुछ मैं फ्रूट्स कैरी कर लिए ताकि बीच में अगर लगे ऐसा कि वाटरमेलन वगैरह लेना चाहिए तो वो बढ़िया रहता है फ्रूट डिहाइड्रेशन के लिए। और बीच में लेंगे कुछ कंजवी टाइप। तो पहुंचते हैं ग्राउंड और देखते हैं अपनी परफॉर्मेंस आज कैसे होती है और आप लोगों को भी अपडेट करते हैं। Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs. जहाँ पे मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ ना, उसी रास्ते में देखो वहाँ पे है एक खूबसूरत वाटर पार्क। और जहाँ पे गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, तो हम लोग भी प्लानिंग बना रहे हैं बहुत जल्दी यहाँ आने की। होप सो कि यहाँ पे आएँ या फिर कहीं और। तो इसका जो वाटर पार्क का नाम है ना वो थंडर जोन करके। और समर में ना बहुत ज़्यादा लोग इस सीन्स को इंजॉय करते हैं जो आउट स्टेशन नहीं जा पाते हैं, हिल स्टेशन नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए एक दिन का अच्छा टाइम स्पेंड होता है। बट हाँ यही है कि अब ये पहाड़ों का मुकाबला तो नहीं कर सकते हैं, बट इस चीज़ का अपना मज़ा है, उस चीज़ का अपना मज़ा है। तो कभी वाटर पार्क जाएंगे बहुत रिसेंट तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। और आप लोग अगर आना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं, ये थंडर जोन इसका नाम है। और एक और है पंचकुला वाली साइड में, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। सो दोस्तों मैच फाइनली ख़त्म हो गया है और टाइम शाम के लगभग 7 बज रहे हैं। सूर्य जो है डूबने वाला है सूरज। और आज का मैच इतना इंटरेस्टिंग हो गया, मतलब मुझे लग रहा है रिसेंट के मैच जितने मुझे याद है ना सबसे अच्छा मैच हुआ। लास्ट बॉल में डिसीजन हुआ और लास्ट बॉल में हम हार गए, एक बॉल में 2 रन चाहिए थे तो वो बन गए। बट आज खेलने में मतलब अपनी बॉडी का फुल टेस्ट हुआ क्योंकि 47 डिग्री था एक टाइम पे, और उसमें खेलना और फिर ऊपर से बॉलिंग करना। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जिसको देख के आपको भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, क्या वो है देखो, ये जो आज मेहनत का नतीजा है। और ये क्या है, बेस्ट बॉलर का अवार्ड है, मतलब आज के मैच में मुझे मिला है ये ट्रॉफी जिसमें है बेस्ट बॉलर। सो मज़ा आ गया, 3 विकेट्स ली आई थिंक और 1-2 कैच छूटे, और 1-2 तो अंपायर ने आउट ही नहीं दिए तो उसके चक्कर में थोड़ा डिस्प्यूट भी हो गया था, बट नहीं तो 5 विकेट्स आज हो जाती। बट मज़ा आ गया। और मतलब वही है कि जब ऐसा रिजल्ट आता है ना तो वो गर्मी भी इंसान भूल जाता है, तो स्पोर्ट्स स्पिरिट वाली बात आ जाती है। अब हालात देख के तो आपको लग ही रहा होगा कि मेरी कितनी बुरी हालत रही होगी और बाकी लोगों की भी। तो अभी निकलते हैं घर, रेस्ट करते हैं, थोड़ा
शावर लेके फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या प्रोग्राम है। होप सो आज रेस्ट ही करेंगे।